गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि यूके में जो है मोस्टली घरों में क्या होता है कि डिश वॉशर होते हैं, और इंडिया में हमने रेयरली डिश वॉशर देखे हैं। किचन में हम हाथ से ही बर्तन धोते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि डिश वॉशर में बर्तन कैसे धोते हैं, और हमने भी, हमें अप्रॉक्स 1.5 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। सो हम 2-3 दिनों से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे लगा कि मैं बहुत लोगों को, क्योंकि हमने भी यूट्यूब से वीडियोज़ देख देख के ही सीखा है, सो वाई नॉट कि मेरी ऑडियंस को भी पता हो कि ये कैसे चलता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है कि जो इसका मॉडल नंबर है वो है जैनुसी, और ये जो है इसके ऑपरेटिंग बटन्स हैं कि ऑन कैसे करना है, कितने टाइम पे लगाना है ये सारा। एंड अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आप जो है डिश वॉशर यूज़ करने के लिए ऐसी टैबलेट्स आती हैं, ठीक है। ये भी वैसे ही जो सर्फ वगैरह होता है, बट इसके लिए स्पेशल आती है। आप प्रॉपर इसमें जो डिश लिक्विड है वो नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे क्या होता है, ये बहुत झाग बनाता है। सो आपको ऐसी टैबलेट जो है बहुत ईजिली मिल जाएंगी। सो 2.29 में ये 50 टैबलेट थी, एक टाइम में आपको एक ही डालनी है, तो ये काफ़ी टाइम आपकी चल जाती है। सो ऐसे ये पैक होती है आपको ऐसे खोल के, ओके। सो आपको इसमें डाल देंगे, ओके। फिर ये जो है आप बंद कर दो। इसमें जाता है रिंजेट जाता है, वो हम डालते नहीं है। हम थोड़ा सा जो है अपने डिश वॉशर का लिक्विड डाल देते हैं, बट अगर आपको कहीं से रिंजेट मिल जाए आप वो भी डाल सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है आपका पानी डलता है एंड सॉल्ट डलता है ना। अगर आप इसको पहली बार यूज़ कर रहे हो तो इसमें आप 1 लीटर पानी डालोगे और सॉल्ट डालोगे। सॉल्ट आप अप्रोक्स 100 से 200 ग्राम डालोगे। सॉल्ट होता कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। सॉल्ट है वो ऐसे आता है, ठीक है। हमने ये टेस्को से लिया, ये 3 kg का है और हमें 3 pound का मिला है, मतलब 1 pound का 1 kg। सो ये भी डिश का ही सॉल्ट जैसा, डिटर्जेंट जैसा, बट सॉल्ट की फॉर्म में। डिश वॉशर का मेन यूज़ क्या होता है कि कई एरियाज़ में क्या होता है कि बहुत हार्ड वाटर होता है। जैसे आप इंडिया में भी देखो, नोएडा वाली साइड जाओगे वहाँ पर जो वाटर है वो बहुत हार्ड है, उसके लिए ये यूज़ होता है, और ग्रीस को रिमूव करने के लिए, आपकी मशीन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। सो आप इसमें स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपके डिश वॉशर में बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, उसमें आप 2 बोतल पानी डालिए, मतलब अप्रोक्स 1 लीटर। एंड इसको भी आप थोड़ा सा 100 से 200 ग्राम डालिए, और कोशिश कीजिए कि जब आपको दिखना बंद हो जाए सॉल्ट तो आप इसको थोड़ा थोड़ा डालते रहिए हर वीक में। आपको डेली डालने की ज़रूरत नहीं है, हर वीक में 1 या 2 बार इसको डाल सकते हो। आपको अभी सॉल्ट भी दिख रहा है और पानी भी दिख रहा है, सो दैट मीन्स कि अभी इसमें प्रॉपर सॉल्ट है। अब हम बताते हैं कि बर्तन कैसे लगाने हैं। सो पहले मेरे माइंड में जो डाउट रहता था कि इंडियन बर्तन जो है यहाँ पे आएंगे या नहीं, क्योंकि हमारा मेन मोस्टली हम यूज़ करते हैं इंडियन बर्तन ही। सो ये देखिए, मैंने यहाँ पे चाय वाला बर्तन भी रखा हुआ है, चाय छन्नी भी है। सो ये अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, लाइक कटोरी आप इसमें रख सकते हो, बड़े बर्तन आप इस साइड, और ये जो सेक्शन है ये आपके स्पून्स रखने के लिए, आप इसमें ऐसे स्पून्स अंदर घुसा सकते हो। स्पून आपको अलग से कहीं नहीं फैलाने, क्योंकि वो क्या होगा कि जब बर्तन धुलेंगे वो नीचे गिर जाएगा, आपका फ़ैन रुक जाएगा। प्लेट्स के लिए ऐसे सेक्शन बने हैं, आप साफ़ करके अपनी प्लेट्स जो है वो ऐसे लगा सकते हो, कप अपने ऐसे आप खड़े कर सकते हो। सो मेन चीज़ आपको 2-3 चीज़ों का इसको यूज़ करने के लिए ध्यान रखना है कि प्लास्टिक अवॉइड करिए इसके अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ही गर्म पानी से बर्तन धोता है। सो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि प्लास्टिक यूज़ करने में इतने गर्म पानी से, कि कहीं प्लास्टिक पिघले ना या जो भी है। सो अगर आप अवॉइड कर सकते हो, चाहे जितनी भी अच्छी क्वालिटी की है, ट्राई टू अवॉइड दैट। सेकेंड चीज़, कोई भी बर्तन अगर आप रख रहे हो तो उसको उल्टा करके रखिए, उसको ऐसे नहीं रखना, आपको कोई भी बर्तन उसको ऐसे रखना है। हमारे साथ फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि हमने सीधे बर्तन रख दिए थे, सो जब ये धुला तो उसके अंदर ही पानी था। सो कोशिश नहीं करनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई भी बर्तन, जैसे कढ़ाई, कोई पतीला या फिर चाय का बर्तन है, उसको उल्टा ही रखना है, ताकि बर्तन धुल के पानी खुद से ड्रेन हो जाए। आपको मेन जो ध्यान रखना है, जब भी आप बर्तन लगाइए, ये इसके जो है फ़ैन है, एक फ़ैन यहाँ पर है, एक ही फ़ैन है, और एक फ़ैन ये। आपको कोई भी बर्तन ऐसे नहीं रखना कि फ़ैन को टच हो, ट्राई कि फ़ैन को बिल्कुल भी टच ना हो। इसके बाद आप बर्तन लगा दोगे, इसको बंद कर दीजिए। अब इसको ऑन कैसे करना है? ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको ये बटन प्रेस करना है,
10 सेकेंड के लिए जैसे ही आप ये बटन प्रेस करोगे यहाँ पे लाइट्स आ जाएंगी। ओके, ये जो है अलग अलग टाइमिंग्स हैं, लाइक 70 मिनट्स, 65, 30, इको 50। ओके, सो आपको क्या करना है, चेंज करने के लिए इसको 3 सेकेंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है। ओके, जैसे ही आप प्रेस करोगे, आप राइट करो तो आप देखोगे कि ये ऑरेंज बटन जो है वो फ्लक्चुएट होने लग गया, तो आप जहाँ पर भी सेट करना चाहते हो आप सेट कर दो। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, 30 मिनट में ही लगाती हूँ, 30 मिनट में बर्तन धुल के तैयार। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आप इसको बंद कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपको आफ्टर 30 मिनट्स और दिखाती हूँ कि बर्तन कैसे धोता है। सो अभी अभी जो है इसकी आवाज़ आई है बीप सुनने की, टूं टूं। नाउ यू विल जस्ट ऑफ, चमक देखिए आप बर्तनों की, चमक जाते हैं बिल्कुल बर्तन। यही था आज की वीडियो, आपको डिशवॉशर के बारे में बताना। एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत टाइम बचा देता है आपका। अगर आप कुछ और काम कर रहे हो, आप 30 मिनट्स के लिए इसको चला के छोड़ दो, जब तक आपका बाकी का काम होगा आपके बर्तन साइड बाय साइड धुल जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस कंट्री में, बिकॉज जहाँ पर आप हाउस हेल्प रखना इज़ नॉट पॉसिबल, सो आप इस तरीके से अपना टाइम जो है वो बचा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो किसी और चीज़ों में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी हो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो बाय बाय।